किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आपका भरोसा भगवान श्री कृष्ण पर है तो वो सिर्फ कृपा ही नहीं बरसाते बल्कि आपके सारथी भी बन जाते हैं। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें MyFM का YouTube चैनल और दबाएं बेल आइकॉन। नमस्ते दोस्तों, MyFM से मैं हूं RJ कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी जिन्होंने लिखी है वो कहते हैं कि मैं मथुरा से ट्रेन में बैठा था, कंपार्टमेंट में पहुंचा तो जैसे ही डिब्बे में घुसा तो मुझे किसी महिला के रोने की आवाज आई। बूढ़ी महिला कोई रो रही थी ऐसा मुझे लगा और शुरुआत में मैंने ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया कि कोई रो रहा होगा, कोई बात हो गई होगी। ट्रेन का हॉर्न बजा, ट्रेन ने स्टेशन छोड़ा, 5-10 मिनट बीत गए लेकिन वो आवाज जो थी रोने की वो बढ़ती चली जा रही थी। पूरा डिब्बा छान मारने के बाद मुझे पता चला कि दरवाजे के किनारे एक बूढ़ी अम्मा बैठी हैं और माताजी रोए चले जा रही हैं। 2-4 लोग वहां आसपास खड़े थे जो पूछने की कोशिश कर रहे थे, माताजी क्या बात हो गई, बताओ तो सही, बताओ तो सही, बोल ही नहीं रही थी। मैंने उन 2-4 लोगों को साइड किया और कहा मैं कोशिश करता हूं, मैं पूछ के देखता हूं। तो मैं माताजी के पास बैठ गया नीचे और उनसे पूछने लगा कि माताजी क्या बात हो गई। 5-10 मिनट तक मैंने भी उनसे लगातार रिक्वेस्ट की तो फाइनली वो बोलने लगी और बोली क्या, उन्होंने अपने बैग में से, अपने झोले में से एक लिफाफा निकाल के मुझे दे दिया और कहा इसे खोल के देख लो। मैंने जब वो लिफाफा खोला तो उसमें 4 पेड़े निकले, 200 रुपए का एक नोट निकला और इत्र से महकता हुआ एक कागज का टुकड़ा था। मैंने माताजी से पूछा ये क्या है, आप रो क्यों रही हो? माताजी और रोने लगी और रोते रोते कहने लगी कि बेटा मैं वृंदावन बिहारी जी के मंदिर गई दर्शन करने के लिए अपने कान्हा के, बहुत भीड़ थी, लंबी लाइन के बाद मेरा नंबर आया, मैंने 200 रुपए पंडित जी को दिए और कहा कि मुझे प्रसाद दे दो, उन्होंने 1 पेड़ा दिया। मैंने उनसे कहा मैंने 200 रुपए दिए, मुझे 2 पेड़े दो। पंडित जी मुझे कहने लगे आगे बढ़ो माताजी, बहुत भीड़ है, जल्दी चलो। मैं उनसे जिद बहस करने लगी, वो माने ही नहीं, तो मैंने भी गुस्से में आकर के वो जो 1 पेड़ा मिला था उन्हें वापस लौटा दिया और मैं बाहर आकर के मंदिर की सीढ़ी पर बैठ गई और अपने बिहारी जी को कोसने लगी कि कैसे हो आप, दर्शन भी ढंग से नहीं देते, प्रसाद भी ढंग से नहीं देते। बेटा तभी मेरे पास में एक छोटा बच्चा आया और आकर के कहने लगा कि मैया ये मेरा लिफाफा संभाल लोगी, मैं हाथ धोकर के आता हूं, आपसे लेकर के जाऊंगा। और मैं बस उसका इंतजार ही करती रही, बेटा वो आया ही नहीं। वो नल की तरफ हाथ धोने के लिए जाता हुआ तो दिखा लेकिन फिर लौट के नहीं आया। बहुत देर वहां इंतजार करने के बाद मंदिर के आसपास उसे बहुत ढूंढा लेकिन मिला ही नहीं। मैं वापस आकर के मंदिर की सीढ़ी पर बैठ गई, लिफाफा खोलने लगी जो देकर के गया था तो देखा उसमें 4 पेड़े हैं, 200 रुपए का वही नोट जो मैंने अंदर चढ़ाया था और एक इत्र से महकता हुआ कागज जिसे मैंने खोल करके पढ़ा तो उसमें लिखा था कि मैया अपने लाला से इतनी छोटी छोटी बातों पर नाराज मत हुआ करो। बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार समझाता है कि जीवन में भरोसा बनाए रखिए, वो कृपा बरसाते रहेंगे। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि वो सिर्फ कृपा ही नहीं बरसाते, अगर आपकी भक्ति में दम है, अगर आपके विश्वास में ताकत है, अगर प्रगाढ़ आस्था है तो वो आपके सारथी भी बन जाते हैं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें MyFM का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। याद रखिए अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो MyFM सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।